हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश पे अर्जुन सर। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश पे अर्जुन सर में। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय अर्जुन सर। तो गाइस, इसके पहले मैंने रिकॉर्डेड वीडियो बनाया था जिसपे मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था। ये मेरा फेस का पहला वीडियो है और हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था वर्ब्स के विषय में, जिसमें मैंने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बताया था। मेन वर्ब दो टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो आज हम जानेंगे गाइस एडवर्ब्स के विषय में, एडवर्ब्स क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तब तक गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एडवर्ब्स का मतलब होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है गाइस, क्रिया विशेषण का मतलब होता है जब कोई क्रिया होती है तो किस प्रकार की क्रिया होती है, उस क्रिया में विशेषता क्या होती है, तो हो गया आपका क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम जानेंगे एडवर्ब्स जो वर्ड है, एडवर्ब्स ये दो वर्ड से मिलकर के बना, क्या एडजेक्टिव्स और वर्ब्स। ठीक है गाइस, दो वर्ड्स मिलके बना है ये एक वर्ड एडवर्ब्स, ये एड और ये वर्ब्स। यानी कि कोई विशेषण, कोई क्रिया, किसी विशेषण किसी क्रिया की विशेषता क्या होती है, वो होता है आपका क्रिया विशेषण। ठीक है गाइस, अब देखिए एडवर्ब्स के टाइप होते हैं कौन कौन जानेंगे हम। गाइस पहला होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर का मतलब होता है जब कोई क्रिया हो रही है, किस प्रकार हो रही है, क्रिया किस प्रकार हो रही है, उसके विषय में हम जानेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो इसका टाइप होता है एडवर्ब्स का। तो जैसे कि हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे हम, ही रन्स स्लोली, ही रन्स स्लोली, इसका मतलब वह धीमी गति से दौड़ता है। यहां क्रिया है रन्स, कैसे हो रहा है, कैसे दौड़ता है, वो धीमी गति से धीरे धीरे दौड़ता है। तो यहां पे क्रिया हो रही है कैसे, स्लोली। यहां पे वर्ब कैसे हो रहा है, स्लोली हो रहा है। तो ये गाइस क्या हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एक और एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा। नंबर टू, दे वॉक स्लोली, वे धीमी गति से चलते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, He reads the book fastly, वह किताब बहुत तेजी से पढ़ता है। तो ये सब गाइस एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो गए, जो ये बताते हैं कि जो क्रिया हम लोग कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, क्रिया हो कैसे रही है, क्रिया की विशेषता क्या है, इसीलिए ये है एडवर्ब्स। इसके बाद क्या होता है दूसरा है हम लोगों का Adverbs of place. इसको हिंदी में कहते हैं गाइस स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि यहां पे जो क्रिया हो रही है कहां हो रही है, कौन से स्थान पे हो रही है, यहां हो रही है, वहां हो रही है, तो आप कह सकते हैं
जैसे कि देखिए गाइस, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का एग्जांपल्स, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो क्रिया जो हो रही है कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, स्थान बताता है। जैसे कि द प्लान इज एग्जीक्यूटिंग हियर, यहां जो है योजना का आयोजन हो रहा है। तो यहां पे गाइस ये क्या है, हियर, यहां ये बता रहा है कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में ये बता रहा है हमें कि जो ये प्लान जो है हो रहा है एग्जीक्यूटिंग, कहां, यहां। तो स्थान बता रहा है कि यहां हो रहा है। तो ये था गाइस एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, हियर हो जाएगा, देयर हो जाएगा, एबव हो जाएगा, बिलो हो जाएगा, स्थान जो होता है, जो स्थान बताए कि कोई कार्य कहां हो रहा है, टॉप हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। तो गाइस ये है हम लोगों का एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब आता है तीसरा हम लोगों का टाइप, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो गाइस एडवर्ब्स ऑफ टाइम का मतलब ये बताता है कि कोई क्रिया कब हो रही है, समय बताता है कि क्रिया कब हो रही है, आज हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है। जैसे कि आप जेन्युइन चीज है, आप समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे इसका, द प्राइम मिनिस्टर कॉम्स टू मी, द प्राइम मिनिस्टर कॉम्स टू मी। तो गाइस प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, तो समय बता रहा है कि प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं। तो ये सब गाइस, ये तीन टाइप्स हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, ठीक है गाइस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। बाकी के जो भी पार्ट्स हैं हम लोग इसके अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस अगली वीडियो के साथ, टेक केयर, गुड बाय।